नमस्कार साथियों, मैं दीपक लखपत कटारिया गुरुग्राम का रहने वाला निवासी हूं। मैं आने वाली 29 मई के लिए आप सभी लोगों से अपील करता हूं, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में होने जा रही रैली बदलाव हरियाणा में आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उस रैली में पहुँच रहे हैं, आप सभी उनके विचार सुने और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएँ उस रैली में। स्कूली छात्रों को स्कूल स्तर पर ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम में गांव कादीपुर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भी छात्र व छात्राओं को किट वितरित की गई। बता दें, राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्कूल में ऑटोमोबाइल व ब्यूटी पार्लर से संबंधित कोर्स शुरू किए गए हैं, जिससे कि लड़के ऑटोमोबाइल और लड़कियां ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में मुकाम हासिल कर सकें। स्कूल के प्रधानाचार्य की माने तो आज पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी शिक्षा बहुत जरूरी हो गई है, जिसको ग्रहण कर स्कूली छात्र व छात्राएं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्किल इंडिया कार्यक्रम को भी बढ़ाने का सपना पूरा होगा। NSQF के तहत ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, जो हमारी हरियाणा सरकार द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों में इसको लागू किया गया है, और हमारे विद्यालय में 2 कोर्सेज इस योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। पहला कोर्स हमारा ऑटोमोबाइल, जो बॉयज़ के लिए है, और दूसरा हमारा ब्यूटी एंड वेलनेस, जिसमें हमारी गर्ल्स एनरोल्ड हैं। आज जो ये किट का जो वितरण है, जो हमारे लेवल 2 और लेवल 4 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए किट दी जा रही है, ताकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि मेक इन इंडिया स्किल्ड इंडिया, इसके तहत ये प्रयास है कि बच्चा ना केवल अपना शैक्षणिक ज्ञान अर्जित करे, बल्कि वो अपना व्यावसायिक ज्ञान भी अर्जित करे, और आत्मनिर्भर होकर के वो छोटा मोटा कोई अपना व्यवसाय अपना कर सके और उसको रोजगार मिल सके। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे वार्ड नंबर 13 के निगम पार्षद ब्रह्म यादव ने सरकार की इस योजना को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे निश्चित रूप से छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज तकनीक का दौर है, ऐसे में विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा बहुत जरूरी है। हरियाणा सरकार भी स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को आधुनिक शिक्षा एवं डिजिटल शिक्षा देने के इस पैटर्न पर काम कर रही है। जो आज ये कादीपुर गवर्नमेंट स्कूल हाई स्कूल में जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, स्किल इंडिया के तहत जो हमारी बेटियाँ हैं उनको ब्यूटी पार्लर की किट दी जाएगी, और जो बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, उनको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किट दी जाएंगी, जिसमें हमारे यहाँ स्कूल में 120 किटें दी जाएंगी, जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो योजनाएं स्किल इंडिया को लेकर चालू की गई है। तो यहाँ पे स्कूल के अंदर बच्चों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स वगैरह भी कराए गए, और स्किल इंडिया के तहत ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सभी बच्चों ने जिसमें अपना नाम लिखवा के और उसको जो पूरा किया है, तो उसके तहत सरकार के द्वारा उनको आज लगभग 20,000 की लागत से किट दी जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उस योजना को ई अधिगम योजना को लागू कर दिया है, जो कि मेरा मानना ये है, जैसे ही 10-15 दिन 20 दिन के अंदर अगले महीने मुझे लगता है स्कूलों तक टैबलेट आ जाएंगे, जो बच्चों को जो आज हम ऑनलाइन क्लासेस जो हम कर रहे हैं उसमें बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल है इसमें हमारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, और सरकार ने हरियाणा सरकार ने जो ये स्कीम लेके आई है ई अधिगम योजना, मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। प्रदेश सरकार भले ही स्किल इंडिया के तहत स्कूली बच्चों को स्कूल स्तर पर ही ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही हो, लेकिन छात्र व छात्राओं को इसका कितना लाभ मिल पाता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल छात्र छात्राएं इस कोर्स को लेकर काफी उत्साहित हैं। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।